finished, let's continue with our topic. And my next article is balancing of redox reaction. Balancing of redox reaction. As I told you, redox reaction में तो ढेर सारे concept हैं जो आगे हमको सीखने हैं, मगर 11th standard में जो हमारे syllabus में है, that is only its balancing aspect. अभी हम बड़े detail में अलग-अलग तरह की redox reactions को balance करना सीखेंगे. देखिए, मैंने oxidation state का जो concept बताया है, that concept of oxidation state would be used as a tool to balance the redox reaction. हमारा जो main target है, जो मुख्य target है, वो तो redox reaction को balance करना है, और उस redox reaction को balance करने के लिए हम जो समझाया गया oxidation state का concept है, उसे एक tool के रूप में इस्तेमाल करें. देखिए, we have got three methods to balance any redox reaction. The first method is ion electron method. Haji bolo. We have got three methods for balancing any redox reaction. The first method is ion electron method. The second method is oxidation state method. And the third method is half reaction method. These are the three methods we employ in order to balance any redox reaction. आज के लेक्चर में हम सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ही डिटेल में सीखेंगे, इसी को प्रैक्टिस करेंगे. दिस इज द बेस्ट मेथड टू बैलेंस एनी रिडॉक्स रिएक्शन. इसके बाद के दो मेथड और भी हैं, वह हम आगे के लेक्चर्स में अवश्य सीखेंगे, मगर आज के लेक्चर में हम सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ही थॉरोली प्रैक्टिस करेंगे. इनफैक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इनमें से कोई भी एक मेथड एम्प्लॉय करा जा सकता है. हाफ रिएक्शन मेथड हर जगह पर सक्सेसफुल नहीं होता है, मगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हर जगह पर इफेक्टिव होता है. आज हम बड़े डिटेल में सिर्फ इसी मेथड को सीखेंगे. मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो सिखाऊंगा ही, साथ में मैं आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना भी सिखाऊंगा. बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन के साथ में अब हम सीखेंगे कंप्लीटिंग एनी रिडॉक्स रिएक्शन. यदि कोई इनकंप्लीट अधूरी कोई रिएक्शन दे रखी हो तो किस तरह से हम उस रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, हम यह भी साथ साथ में सीखते जाएंगे. इसके साथ में हम यह बात भी सीखेंगे आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. Identification of oxidizing agent and reducing agent. कोई सी भी reaction में oxidizing agent क्या है और reducing agent क्या है, इस बात को भी identify करना सीखेंगे. और इसके बाद हम साथ साथ में सीखते जाएंगे types of redox reaction. Types of redox reaction. मैं अभी एक साथ वह टाइप नहीं बताता हूं, तीन चार तरह की redox reaction होती है. जैसे जैसे reaction आती जाएंगी वैसे वैसे उन reaction के नाम भी बताता जाऊंगा कि यह किस तरह की reaction है, इसको हम क्या कहेंगे. अब मैंने आप सभी को एक sheet दे रखी है,
हम इनफैक्ट इस शीट को सॉल्व करेंगे और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे. रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, आइदर रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम और रिएक्शन इन बेसिक मीडियम. यदि किसी रिएक्शन में एसिडिक मीडियम दे रखा है, वहां मेंशन कर रखा है कि यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है, इन दैट केस व्हाइल बैलेंसिंग द रिएक्शन वी मे यूज एनी अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट रिएक्शन. यदि किसी रिएक्शन में एसिडिक मीडियम दे रखा हो तो उस रिएक्शन को बैलेंस करते समय आप चाहे जितने H पॉजिटिव आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो. और यदि किसी रिएक्शन में बेसिक मीडियम मेंशन कर रखा हो, यदि किसी रिएक्शन में बेसिक मीडियम मेंशन कर रखा हो, बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि यह रिएक्शन बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, इन दैट केस इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट रिएक्शन यू मे यूज एनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप चाहे जितने हाइड्रोक्सिल आयन का इस्तेमाल कर सकते हो और वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो. देखिए इस शीट में अब हम सबसे पहला प्रॉब्लम करना चालू करते हैं और उस प्रॉब्लम को कराने के साथ ही मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी समझाते जाता हूं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. राइट द फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इन एसिडिक मीडियम. फर्स्ट प्रॉब्लम का यह ए पार्ट, दिस इज द रिएक्शन गिवन टू अस, ClO3 negative plus Fe2 positive, एसिडिक मीडियम है. एसिडिक मीडियम को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने एरो के ऊपर H पॉजिटिव बना दिया है. फेरिक आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल. हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम दे रखा है मतलब हम चाहे जितने H पॉजिटिव आयन कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड. अब देखिए आप इस शीट में देखेंगे कि आगे धीरे धीरे करके रिएक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. रेडॉक्स रिएक्शन आगे जाकर इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि उनको देखकर हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना नामुमकिन होगा. रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कोई सिस्टमैटिक मेथड समझना ही होगा और उस सिस्टमैटिक मेथड को हम यहीं से समझना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि आगे रिएक्शन चाहे जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए हम उसको बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकें. अब मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सिखा रहा हूं इस समय. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो रिएक्शन आपको दे रखी है उस रिएक्शन में सबसे पहले आप वह एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हो, उस एटम को आइडेंटिफाई करते हो जिसका रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑब्जर्व दैट एक तो Fe है, उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल साफ साफ चेंज होता हुआ दिख रहा है. रिएक्टेंट साइड Fe प्लस टू पर है और प्रोडक्ट साइड Fe प्लस थ्री पर है. Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर चेंज हो रहा है. अब एक बात सोचिए कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है.
वह इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. Fe रिएक्टेंट साइड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और यह प्रोडक्ट साइड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है. Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है. यदि Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इस जगह पर हम Fe को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. Fe which itself is getting oxidized would be called reducing agent. अब यदि Fe oxidized हो रहा है तो वहां पर कोई दूसरा species अवश्य reduce हो रहा होगा. जरा आप सोचे कौन reduce हो रहा है. Oxygen कभी ऐसे reaction में reduce नहीं होता है. हमें वहां पर chlorine दिख रहा है. Chlorine का जब हम oxidation state calculate करेंगे तो ClO3 negative में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव दिख रहा है और यह क्लोरीन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है. क्लोरीन प्लस फाइव से माइनस वन पर जा रहा है इसका मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है. यदि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है इसका मतलब क्लोरीन यहां पर रिड्यूस हो रहा है. मीन्स ClO3 नेगेटिव का यहां पर रिडक्शन हो रहा है. मींस ClO3 यहां पर कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि यह किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. अब इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम कैसे बैलेंस करेंगे. देखिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सिर्फ उन एटम को उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में लिखते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा. हम यह लिखेंगे Fe जो कि प्लस टू पर है. दिस इज गिविंग यू Fe एट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. हमने ऑक्सीडाइज होने वाले Fe को सिर्फ उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में लिख दिया. क्लोरीन जो कि प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट पर है यह क्लोरीन माइनस वन स्टेट पर जा रहा है. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को लिखा जाता है जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर जिनका रिडक्शन हो रहा है. देखिए Fe2 प्लस से Fe3 प्लस पर. अब जरा सोचिए प्लस 2 का Fe प्लस 3 पर कैसे जाएगा. प्लस 2 पर Fe जो है वह प्लस 3 पर जाने के लिए डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा. Fe प्लस टू एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के Fe प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह से Fe इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन. Fe का डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है. Fe इज एलिमिनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन. इस तरह से Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है. इस तरह से Fe को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. अब जरा सोचिए क्लोरीन जो कि प्लस फाइव पर है यह क्लोरीन प्लस फाइव पर जो है यह माइनस वन के क्लोरीन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा. यदि यह प्लस फाइव वाला क्लोरीन छह इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले छह इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर ले छह नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर ले तो पहले तो प्लस फाइव से जीरो पर चला जाएगा और फिर माइनस वन तक ही पहुंच जाएगा. इस तरह से क्लोरीन एट प्लस फाइव मस्ट बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन एट माइनस वन. हियर वी आर ऑब्जर्विंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रोनेशन. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. इस जगह पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है. दैट्स व्हाई क्लोरीन वुड बी कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब इस तरह से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमारा अगला काम होता है इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना. देखिए हमने दो हाफ रिएक्शन लिखी है. एक हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड दिखेगा और दूसरी हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड दिखेगा. इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हम पहली वाली रिएक्शन को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं. इस तरह से वहां पर छह इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और हम यह लिख सकेंगे Cl एट प्लस फाइव मस्ट बी रिएक्टिंग विथ 6 Fe at plus 2 to give you 6 Fe at plus 3
along with fluorinate minus 1. Now this is the basic skeleton redox reaction. अब हम कहते हैं इस जगह पर अब कोएफिशिएंट बिल्कुल फिक्स हो गया, इन कोएफिशिएंट को बदला नहीं जा सकता. यहां क्लोरीन जो प्लस 5 पर है ये कहां से आ रहा है? ClO3 नेगेटिव. हम ClO3 नेगेटिव के आगे 1 कोएफिशिएंट लगा देते हैं क्योंकि द Cl प्लस 5 के आगे कोएफिशिएंट 1 है. 6Fe2+ यहां Fe2+ के फॉर्म में ही लिखा जाएगा. 6Fe3+ जो 6Fe3+ प्लस Cl नेगेटिव. हम कहते हैं अब यह कोएफिशिएंट कभी भी बदले नहीं जा सकते, यह कोएफिशिएंट बिल्कुल फिक्स हो गए, फ्रीज हो गए. अब बाकी के रिएक्शन को हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम चाहे जितने एच पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. Fe ऑलरेडी बैलेंस है, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है, तीन ऑक्सीजन मुझे रिएक्टेंट साइड ज्यादा दिख रहे हैं. इन तीन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं कहता हूं यदि रिएक्टेंट साइड में 6H+ लगा दूं, 6H+ यदि मैं रिएक्टेंट साइड ऐड कर दूं तो 6H+ वुड कंबाइन विद 3 ऑक्सीजन एटम टू गिव यू 3H2O और इस तरह से हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है. एंड दैट कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन इज ClO3 नेगेटिव प्लस 6Fe2+ प्लस 6H+ गिव्स यू 6Fe3+ प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O. अब इस कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन को वेरीफाई करने के दो तरीके हैं. एक तो आप सबसे पहले यह देखिए कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्लोरीन के एटम्स बराबर दिखने चाहिए, Fe के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एटम्स बराबर दिखने चाहिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सारे एटम्स आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर दिखने चाहिए. इसके साथ में दूसरा जो तरीका है बैलेंस रिएक्शन को वेरीफाई करने का, दैट इज बैलेंस रिएक्शन में दोनों तरफ चार्ज आपको बराबर दिखने चाहिए. रिएक्टेंट साइड टोटल जितना चार्ज है प्रोडक्ट साइड भी उतना ही टोटल चार्ज दिखना चाहिए. जरा देखें हम रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज है, 6 पॉजिटिव 12 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव. इस तरफ जो हमें चार्ज दिख रहा है 6H+ पर 6 पॉजिटिव चार्ज दिखा, 6Fe2+ पर Fe2+ पर 2 पॉजिटिव चार्ज, 12 पॉजिटिव प्लस 6 पॉजिटिव 18 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज. रिएक्टेंट साइड हमें 17 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड भी हमें 17 पॉजिटिव चार्ज दिखने चाहिए. जरा देखें क्या प्रोडक्ट साइड हमें 17 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, 6Fe3+ एक एक Fe पर 3+ चार्ज है तो 3+ × 6 18 पॉजिटिव चार्ज, 18 पॉजिटिव चार्ज और 1 क्लोराइड पर माइनस चार्ज है. प्रोडक्ट साइड भी हमें 17 पॉजिटिव चार्ज ही दिख रहे हैं. इसका मतलब हमने रिएक्शन को बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट तरीके से बैलेंस करा है. इसमें सारे एटम्स तो बराबर हो ही गए हैं साथ में सारे चार्ज भी बराबर है. दिस इज अ प्रॉपर मेथड टू बैलेंस दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सच ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज टर्म्ड एज इंटरमॉलिक्युलर रिडॉक्स रिएक्शन. इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्युलर रिडॉक्स रिएक्शन. Now, what do you mean by intermolecular redox reaction? Intermolecular redox reaction का मतलब होता है दो अलग-अलग molecules के बीच में इलेक्ट्रॉन का exchange हो रहा है.
देखिए जैसे स्कूल में दो तरह की कॉम्पिटिशन होती है, एक तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन और एक इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन? इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन का मतलब है कि एक ही स्कूल में बच्चों को तीन चार भाग में डिवाइड कर दिया गया, तीन चार हाउस बना दिए गए, एक रेड हाउस, एक व्हाइट हाउस, एक ग्रीन हाउस, एक येलो हाउस. इस तरह से सभी बच्चों को चार हाउस में डिवाइड कर दिया गया, रेड हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, और फिर उन अलग अलग हाउस के बीच में कॉम्पिटिशन कराई जा रही है एंड देन दे आर ऑब्जर्विंग हु इज द विनर. सच अ कॉम्पिटिशन वी कॉल इट इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन. स्कूल के अंदर ही यह कॉम्पिटिशन हो रही है, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन. और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मीन्स दो अलग अलग स्कूल है और उन दोनों अलग अलग या तीन या चार अलग अलग स्कूल है एंड ऑल दोस स्कूल्स आर मीटिंग एट अ प्लेस एंड दे आर हैविंग कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्फ. दैट इज कॉल्ड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. इंटर स्कूल में दो अलग अलग स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन होती है. इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स सेक्शन भी दो तरह के होंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंटर मॉलिक्यूलर. इंट्रा मॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है और इंटर मॉलिक्यूलर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल है. देखिए यह एक अलग मॉलिक्यूल है, यह एक अलग मॉलिक्यूल है. यह मॉलिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह मॉलिक्यूल इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है. दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है देन सच अ रेडॉक्स रिएक्शन इज टर्म्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन. परस आयन अलग है, सीएलओ थ्री नेगेटिव आयन अलग है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है. सच अ रिएक्शन वुड बी टर्म्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ हाँ बोलो. मुझे सही बताओ ना, आपकी बात प्रॉपरली समझ में नहीं आई, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, आप कुछ ज्यादा ही तेजी से बोल गए. H2O product नहीं है, ये ऑलरेडी है, से मतलब यह है कि बैलेंस रिएक्शन में H2O दिखना चाहिए और उसके कुछ कोएफिशिएंट लगना चाहिए. हमें नहीं पता कितना है कैसे है, और हमने यह बता दिया कि H2O के तीन मॉलिक्यूल होने चाहिए. क्या मेरी बात समझ आ रही है? यह H2O किसी रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है. रिडॉक्स रिएक्शन तो यह है और इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने कहा कि तीन ऑक्सीजन एटम के साथ छह एच पॉजिटिव आयन जरूर होने चाहिए जो कि तीन वाटर मॉलिक्यूल देने चाहिए. अब ऑलरेडी क्या है क्या नहीं है या आप कैसे बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा. हमें तो इस H2O का कोएफिशिएंट लगाना था जो हमने लगा दिया. हमने यह बता दिया कि प्रोडक्ट साइड जो H2O है वो तीन H2O होना चाहिए. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगली रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं. हम इनफैक्ट इसी शीट में आज के दिन 10-12 रिएक्शन बैलेंस करेंगे. फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम आज हम करेंगे, एसिडिक और बेसिक मीडियम की रिएक्शंस को इस तरह से बैलेंस करना सीखेंगे. इसी में अब हम बी रिएक्शन करते हैं. CuS प्लस NO3 नेगेटिव एन एसिडिक मीडियम गिविंग यू CO2 प्लस प्लस S8 प्लस NO प्लस H2. नाउ अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. वंस अगेन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई दोस एटम्स दोस एलिमेंट विच आर अंडरगोइंग रिडॉक्स चेंज. हमें सबसे पहले वह एटम वह एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है
जो एलिमेंट या जो एटम जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? इधर भी कॉपर प्लस टू पर, इधर भी कॉपर प्लस टू पर, दोनों ही जगह पर, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी कॉपर प्लस टू पर है। कॉपर का कोई रिडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है, कॉपर किसी भी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन में यहां पर पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब हम कॉपर को पहले नहीं लिखेंगे। क्या सल्फर का? हां, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। इधर सल्फर माइनस टू पर है जबकि इधर सल्फर जीरो पर है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। सल्फर को हम कंसिडर करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते समय। अब क्या नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है? जरा देखिए, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम प्लस फाइव लिखते हैं और एनओ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम प्लस टू लिखते हैं। नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं हो रहा। हमने वह एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वह एटम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका रिडॉक्स चेंज हो रहा है। हम सिर्फ इन्हीं को कंसिडर करेंगे। हम कहेंगे सिर्फ सल्फर लिखेंगे, सल्फर को माइनस टू उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और प्रोडक्ट साइड हम लिखेंगे S8। ध्यान रहे, अंडर स्क्रिप्ट हमेशा मेंशन करे जाते हैं, S8 में S8 जरूर लिखना होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के साथ। यह S8 का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, अंडर स्क्रिप्ट S8 यदि 8 लिखा है तो 8 जरूर लिखना होगा। अब सल्फर लिखने के बाद हम नाइट्रोजन लिखते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन का एक एटम प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट पर और इधर नाइट्रोजन का एक एटम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पर। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सबसे पहले इस तरह से उन स्पीशीज को लिखा जाता है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इस तरह से सल्फर एट माइनस टू इज गिविंग यू सल्फर एट जीरो। अब सबसे पहले इधर आठ सल्फर है एट S8, इधर आठ सल्फर है S8, तो इधर भी आठ सल्फर होना चाहिए 8 टाइम्स S2 नेगेटिव। सबसे पहले यह लिख देंगे। अब जरा सोचिए, माइनस टू का सल्फर वह जीरो के सल्फर पर जा रहा है, कैसे हो रहा होगा? जो सल्फर माइनस टू पर है यह जीरो पर जाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता होगा, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर वह माइनस टू से जीरो पर जाएगा। और ऐसे आठ सल्फर है वहां पर, आठ सल्फर मिलकर जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वहां पर 16 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे। देयर वुड बी 16 इलेक्ट्रॉन दैट वुड बी रिजेक्टेड बाय सल्फर S8। इस तरह से वहां पर सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस तरह से सल्फर वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यहां पर CuS इज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जरा सोचिए नाइट्रोजन के साथ में क्या हो रहा होगा। नाइट्रोजन जो कि प्लस फाइव पर है, यह नाइट्रोजन प्लस टू पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा होगा? डेफिनेटली इस जगह पर प्लस फाइव का नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तीन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके प्लस फाइव का नाइट्रोजन प्लस टू पर कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से वहां पर नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। यदि वहां पर नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है तो नाइट्रोजन वहां पर कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन न तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, उनको हमेशा कैंसिल होना पड़ेगा। हाफ ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हाफ रिडक्शन में एब्जॉर्ब होने चाहिए,
इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए पहली रिएक्शन को 3 से और दूसरी रिएक्शन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वहां पर 16 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए जाए. दिस इज टर्म्ड एज हाफ ऑक्सीडेशन. हम इसे हाफ ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसे हम कहते हैं हाफ रिडक्शन. हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कैंसिल हो गए और इस तरह से फाइनली अब हम इनको ऐड करते हैं 24 सल्फर एट -2 प्लस 8 नाइट्रोजन एट +5 गिविंग यू 3 सल्फर प्लस 8 नाइट्रोजन एट +2. नाउ दिस इज द बेसिक स्केलेटन रिएक्शन. इससे हाँ बोलो. इधर 16 आएंगे. आई एम सॉरी, मुझको ये बात बिल्कुल सही कर लेनी चाहिए. इधर 16 बिल्कुल सही. इस जगह पर 16 कर देता हूं, इस जगह पर भी 16 कर देता हूं. नाउ दिस इज द बेसिक स्केलेटन रिएक्शन. अब इन कोएफिशिएंट को हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते. यहां H2 नेगेटिव CuS से आ रहा है तो इधर मैं लिख दूंगा 24 CuS प्लस 16 NO3 नेगेटिव गिविंग यू 3S8 प्लस 16 NO. यह कोएफिशिएंट बिल्कुल फिक्स हो गए, यह कोएफिशिएंट बिल्कुल फ्रीज हो गए, इन्हें नहीं बदलना है. अब बाकी के रिएक्शंस को हम देखकर बैलेंस करेंगे. अभी हमको कॉपर का कोएफिशिएंट लगाना है, अभी हमें वाटर का कोएफिशिएंट लगाना है. अब हम सोचेंगे कि इनका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए. बस ये कोएफिशिएंट बिल्कुल फिक्स होगा, इनको नहीं बदल सकते. हम कहते हैं 24 CuS है, यदि 24 CuS है तो प्रोडक्ट साइड पक्का है, 24 कॉपर आयन होने ही चाहिए. 24 कॉपर आयन प्रोडक्ट साइड जरूर अपीयर होंगे. इस तरह से सल्फर और नाइट्रोजन के बैलेंस होने के बाद अब कॉपर भी बैलेंस हो गए. अब हमें वहां पर बैलेंस करना है ऑक्सीजन. जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाटर का कोएफिशिएंट दिखने लगेगा. हम देखें किस तरफ कितने अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन है. प्रोडक्ट साइड 16 ऑक्सीजन एटम्स है, जबकि रिएक्टेंट साइड 16 × 3 48 ऑक्सीजन की एटम्स है. रिएक्टेंट साइड 32 ऑक्सीजन के एटम्स ज्यादा है. रिएक्टेंट साइड 32 ऑक्सीजन के एटम्स ज्यादा दिख रहे हैं. इन 32 ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए, अब देखिए एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करा जाता है, दोबारा बता रहा. जितने भी ऑक्सीजन एटम इधर दिख रहे हैं उसके डबल एच पॉजिटिव आयन इधर ऐड कर दो. 32 ऑक्सीजन इधर ज्यादा दिख रहे हैं तो आप इधर 64 एच पॉजिटिव आयन ऐड कर दो. यह 64 एच पॉजिटिव आयन इन 32 ऑक्सीजन एटम के साथ में रिएक्ट करके यहां पर 32 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगी और इस तरह से यह रिएक्शन बैलेंस हो गई है. आप देखिए इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड रेडॉक्स रिएक्शन को देखकर कोई बैलेंस कर ही नहीं सकता. हिट एंड ट्रायल मेथड से यह रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो ही नहीं सकती. इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यह एक सिस्टमैटिक मेथड अडॉप्ट करा, तभी हम इसे बैलेंस कर पाए. इस बैलेंस्ड रिएक्शन में आप एक बात देखिए, कॉपर एटम
रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बराबर है, सल्फर एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर है, नाइट्रोजन के एटम्स भी बराबर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स, सारे एटम्स आपको बराबर दिखेंगे। न केवल आपको एटम्स बराबर दिखेंगे बल्कि एक और बात, दैट इज चार्ज, रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज और प्रोडक्ट साइड टोटल चार्ज, वो भी आपको बराबर दिखेंगे। जरा देख लीजिए, इधर है 64 पॉजिटिव चार्ज और 16 नेगेटिव चार्ज, 64 पॉजिटिव और 16 नेगेटिव चार्ज मिलाकर यहां पर हो जाते हैं 48 पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख लीजिए, हमें प्रोडक्ट साइड भी 48 पॉजिटिव चार्ज दिखने चाहिए। इधर जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, जीरो चार्ज कॉपर आयन पर, 24 कॉपर आयन, इधर भी 48 पॉजिटिव चार्ज ही है। यह रिएक्शन प्रॉपरली थॉरोली बैलेंस्ड है और इस रिएक्शन को भी हम इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन ही कहेंगे। दिस वुड बी ऑल्सो कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि वंस अगेन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। CuS इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नाइट्रेट आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें CuS जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है वह कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और नाइट्रेट आयन जो कि रिड्यूस हो रहा है वह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं, उसको